हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक संघ इकाई ने पूर्व मंत्री जीएस बाली से मुलाकात की व सरकार की अनदेखी व उनके भविष्य की चिंता के बारे में जानकारी दी। संघ के लोगों का कहना है कि हम सरकार से कई बार मिल लिए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है, न ही कोई उम्मीद है। इसी वजह से आज हम जीएस बाली के पास आए हैं ताकि हमारी आवाज और हमारी अनदेखी वे सुने और हमारे लिए सरकार से हमारी लड़ाई में हमें अपना आशीर्वाद दें। आपको बता दें कि करीब 4000 शारीरिक शिक्षक आज सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बैकलॉग के तहत जो पद भरे जाने, ये उसका केस भी हमने 2016 में जीत लिया था, परंतु अभी तक भी कुछ नहीं बन पाया है और सरकार ने कोर्ट के आदेशों को भी नहीं माना है। मैं इस टाइम जो हूँ स्टेट प्रेजिडेंट हूँ शारीरिक शिक्षा संघ का। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पोस्टें हैं, मतलब ठीक है, काफ़ी टाइम से, मतलब 3 साल इस गवर्नमेंट को हो गए बीजेपी को, मतलब वो पोस्टें निकल नहीं रही हैं। तो हम मतलब बार बार जा ही रहे हैं इधर उधर। सबसे हमने अपनी रिकमेंडेशन की है कि हमारी पोस्टें निकाले, रनिंग गवर्नमेंट के पास भी जा रहे हैं, मान नहीं जा रहे हैं। ठाकुर जी को ज्ञापन दिया है शिमला में, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पे दिए हैं, पर अभी तक हमारा कोई वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। तो उसी के रिगार्डिंग हमने, चलो मान लिया, हमारे पूरे विधायक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री जयस बल से, चलो इनसे मुलाकात कर लेते हैं, इनसे भी कुछ बातचीत किया जाए कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो इनके पास वही उसके रिगार्डिंग है कि हमारी पोस्टें निकाली जाए, क्योंकि पोस्टें निकल नहीं रही हमारी। तो जो इन्होंने, एक तो हमारी बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने 2018 में एक वादा किया था। बाली ने इस दौरान उन्हें हौसला दिया और कांग्रेस सरकार आने पर उनके लिए पॉलिसी बनाने का वादा किया। साथ ही बाली ने कहा कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमने 2 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। हमने सोचा था सरकार जागेगी, कम से कम 10 या 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं दिख रहा है। देख रहा हूं। और बड़ा सोचता हूँ उसके बारे में, विचार करता हूँ। एक तो हिमाचल में 14.5 लाख बेरोजगार हो गए। मुझे एक बेरोजगार सड़क पे नहीं नजर आया जो अपनी बात को कहने के लिए आया हो कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, मेरी नौकरी का कोई सरकार समाधान करे। मैंने लड़ लड़ करके बेरोजगार भत्ता रखवाया था। हमने बजटेड 150 करोड़ रुपया भी रख दिया, इस सरकार ने बंद कर दिया। एक स्टेटमेंट नहीं आई किसी की। मैंने कहा भाई हम लोग आएंगे तो 2 लाख नौकरियां देंगे। बोलने का भाव ये था कि हम 2 देंगे तो ये भी 2 साल में 50,000 तो दे दें, तो 2.5 लाख लोगों को नौकरी लग जाएगी। ना इन्होंने एक नौकरी दी, ना किसी ने कभी एक स्टेटमेंट इशू की भी नौकरियों के बिना हम भूखे मर रहे हैं। तो जो बेरोजगार आता पूछता हूँ यार चक्कर क्या है तुम्हारा। तो मुझे ऐसे लगता है कि बेरोजगार भी सेटिस्फाइड हो गया हुआ कि भाई मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। घर वालों से कि ओवर द पीरियड जो भी गवर्नमेंटें रही, हमारी भी उसमें से मेजोरिटी ऑफ टाइम कांग्रेस की रही है, हमने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट बनाए। अब मुझे कोई समझाए कि बीए वाले को क्या नौकरी मिलेगी, क्या नौकरी ले लेगा बीए वाला। आपके तो मेरी समझ में आ जाएगी, चलो भाई फिजिकल ट्रेनिंग कराओगे, बीए वाला मेरे पास आएगा, मैं उसको क्या नौकरी ऑफर करूँ। स्कूटर ले दो, मोटरसाइकिल ले दो, कार ले दो, इजी मनी के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। आप लोगों ने तो चलो पढ़ाई की है, पीटीआई की है, मगर जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड